लाइए भी इसमें डाल। गाइज माता के आशीर्वाद से चल चुका है ट्रैक्टर, तो चल के हम आपको चावल की क्वालिटी दिखा दे रहे हैं। नहीं ऊपर आप देख सकते हो सारे पटे चल रहे हैं और बढ़िया डोंगा में धान पड़ा। So, hey guys, good morning and once again welcome back to my new vlog। दोस्तों आज का vlog start कर न्यू मॉर्निंग के साथ, तो आप लोग vlog में बने रहना, आज देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो चले मिलते हैं vlog पे। तो guys अभी बाहर हैं और आप देख सकते हो इधर ये पहले सर हमारा ये वाला खड़ा है, अभी इसको निकालेंगे। और चाचा तो अभी जा रहे हैं, वो देखिए स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला ट्रैक्टर अभी निकल रहा है। तो इनके निकलने के जस्ट 10-15 मिनट बाद हम भी निकल जाएंगे और काफी आज काम निकालना है हम लोगों को। बाय बाय। तो गाइज हम लोग निकल दिए हैं घर से। तो गाइज आज जस्ट अभी अभी हम लोग गांव से निकले हुए हैं और ये देखो कि कितना प्यारा व्यू है, सूरज भगवान भी निकल चुके हैं, मौसम बहुत बेस्ट है। तो बहुत आज जहां तक जाएंगे दिखाते रहेंगे आपको ब्लॉग में, बेस्ट काम करने वाले हैं आज। तो आप लोग ब्लॉग मत मिस करना, हम कहां पहुंचते हैं, कितना आज काम करते हैं, सारा कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, आज हम कहां जाते हैं, कितने समय में पहुंचते हैं और कितने बजे तक काम करते हैं, सब कुछ ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। और इधर देखो हमारे यहाँ गांव में खेती कैसी है। गाइज अभी हम निकल रहे हैं, तो हमारे इधर सरकारी बस चलती है, तो ये देखिए निकल रही है जस्ट नाउ। गाइज ये वाला लोकेशन तो आप देख ही चुके होंगे कि उस दिन हमने यहीं पे हवा डलवाया था। तो गाइज अभी इस गांव में एंट्री हमारी हो चुकी है और 7 बजे घर से चले थे, 8 बज चुका है, यानी 1 घंटा हमको समय लग गया रास्ते में। तो अभी इस गांव में एंट्री हो चुकी है। गाइज पता है आउट सीजन में जाने का मतलब होता है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो अभी हम आउट सीजन में आए हुए। तो चलो भाई फाइनली मिल चुका है 2 बोरी। शुरुआत करते हैं बजरंग बली का नाम, लाइए भाई इसमें डाल दीजिए, डाल दो। तो गाइज इधर है माता जी का मंदिर, जय माता की। अभी फिलहाल हम लोग चलाने वाले हैं इसको ना। तो गाइज माता के आशीर्वाद से चल चुका है ट्रैक्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे धान काड़ा जाने लगा है। हमने शुरुआत कर दिया और फर्स्ट जो हमारा ग्राहक होता है वो भगवान होता है और सामने है माता जी का मंदिर। तो जय माता दी, सदा सहाय सबकी रक्षा करना। तो चलते हम आपको चावल की क्वालिटी दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कैसा चावल निकल रहा। तो आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए भाई। आज ये देखो छन कर धान जा रहा है और पता है ऊपर भी छन रहा है, ये छनना एक और चल रहा है। तो यहाँ से छनता है, देखो इधर सारे पट्टे चल रहे हैं। तो अभी यहाँ का काम हो गया, 4 बोरी था, तो अभी आगे चलते हैं। वो लड़के का है धान, इसी बगल में घर है उसका, लड़के का वो है देखो सामने, देखो भाई ये घर है ये सामने वाला। तो गाइज मशीन यहाँ पे चल चुका है और दूसरी लोकेशन पे है, उसी गांव में दूसरी लोकेशन। तो ऊपर आप देख सकते हो सारे पटे चल रहे हैं और बढ़िया मशीन चल रहा है, इधर का मौसम ऐसा है। और ये इधर ये लड़के सब खड़े हुए हैं, ये देखो भाई। तो चलते हैं इनके चावल दिखाते हैं। तो डोंगे में वहाँ पे पड़ेगा धान, ये देख। और इधर दिखाते हैं आपको हम चावल। ये चावल रहने वाला देख लो, 1% भी चावल नहीं तोड़ रहा, देख लो। देख रहे हो, तो काफी अच्छा चल रहा है और दादी जी इनका धान है, दादाजी भी आ गए। तो गाइज बेस्ट काम करो, किसान का बेस्ट काम करो। तो ये देखो भाई चला दिए हैं, आज सुबह के 7 बजे निकले हुए हैं। तो कोई एक और पहले सर यहाँ काटने आया था, तो बता रहे थे कि उनका चावल देखे हैं भाई, बिल्कुल तोड़ दिया है। तो भाई ऐसे मत करो यार, किसी किसान का नुकसान मत करो, काफी था चावल उनका तोड़ दिए हैं। तो अच्छी सेटिंग करो और अच्छी सेटिंग के साथ चलाओ, है ना। तो देखो कैसे लोकेशन रहने वाला है। गाइस आइए आज दिखाते हैं प्रोसेस आपको। देखो डोंगा में धान पड़ा, लिफ्ट से गया, तो लिफ्ट से होके इस झरने पे आता है, इस झरने से नीचे वहाँ देखो गिर के, फिर वो लिफ्ट से जाता है, फिर आगे ये पहले सर में इधर से निकाल के ये बेस्ट चावल निकल रहा है। तो क्वालिटी को देख के काफी धान आ रहा है। तो इधर तो फाइनली इस जगह काम समाप्त हो चुका है और ये देखिए उधर समाप्त हो चुका है, आगे जा रहे हैं, इधर रास्ते से आगे जा रहे हैं और देखते हैं उधर मिलता है कि नहीं, क्योंकि भाई धान का सीजन पूरा पूरी तरह से खत्म है। तो भाई इस जगह पे हमने गाड़ी चला दिया है पूरा 2 घंटे, आगे आ चुके हैं। और इधर देखो जानवर है ना, ये दादाजी रास्ते में बैठे थे अपनी चारपाई हटा रहे हैं। तो चाची कह रही हैं धान गीला है थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं, चलो देखते हैं इस जगह पे। इधर जाने का उद्देश्य ये था कि आगे रास्ता तो है नहीं बैक करने की, तो इधर रास्ता भी थी बैक करने की और हमने सोचा वो शायद किसी का। एक बात बोल रहे हैं, आउट सीजन भाई, सीजन में देखना, सीजन में दिखाएंगे आपको ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फिर सीजन में तो आप लोगों को दिखाते हैं भाई। अभी शीश नवाते हैं बाबू जी को, तो जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, सदा सहाय, जय हो। तो गाइस अभी हम दूसरे गांव में आ चुके हैं, ये देखो भाई अभी अभी जस्ट घुसे हुए हैं, देखते हैं कहीं मिलता है कि नहीं।
गाइस यहाँ धान तो था लेकिन हमारे चाचा आके खुद ही यहाँ काट के चले गए, धनकुट्टी से यहाँ लोग कड़वा लिए। आगे जाते हैं, हमारे गांव से इधर 80 गांव लगते हैं, 80 पुरवा का गांव है हमारे आसपास, तो अभी इसके आगे है वहाँ चले जाएंगे। नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, धान पड़ चुका है, तो अभी है अर्जुनपुर में। तो गाइज फाइनली अर्जुनपुर में हमको काम मिल चुका है, तो हम ये देखो मशीन चल चुका है अर्जुनपुर, दिखाते हैं उधर जाके। तो ये है अर्जुनपुर में चला रहे हैं। तो भाई ये देखिए, ऐसा है ना कि ये पहले से हर जगह नहीं जा पाता भाई, रास्ता नहीं होती है, तो जहाँ इसको फिट रास्ता मिलती है वहीं पे ये चलता है। इसी का लोकेशन कुछ ऐसा है। तो भाई यहाँ पे काफी धान मिला था तो काफी समय चल रहा है, और अभी इतना ही बचा हुआ वो देखिए, तो 10-15 बोरी के आस पास है। तो फिलहाल इस जगह का काम हो चुका है पूरा, और अभी आगे जाना है। इधर से आ गया था डीजे भाई, बहुत तगड़ा बजा रहे हैं ये डीजे वाले। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैनापुर एक गांव है, तो वहां जाते हैं, वहां की सीन आपको दिखाते हैं। यहां का पूरा काम हो, 2 घंटे यहां भी हमने लगातार ट्रैक्टर चला दिया है। तो गाइज अभी नेक्स्ट लोकेशन उसी से थोड़ा हट के जहां चला रहे थे वहीं पे चल रहा है, ये देखिए भाई। तो इनका भी शायद 6 कुंटल के आसपास है। ये काटने के बाद मैना पर एक गांव है, वहां जाने वाले हैं ना। तो गाइज इस जगह का काम खत्म हो गया। तो आपको मैंने ये भी बताया कि हमारे गांव से 80-90 गांव लगते हैं भाई, है ना, तो ऐसे घूमने से मिल जाएगा। अभी नई राइस मिल है हमारा, तो मार्केटिंग बनाना ज्यादा हमें जरूरी है, क्योंकि इधर आते रहते हैं ना ट्रैक्टर, नहीं तो दूसरे दूर दूर के आ जाते। तो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए आगे जा रहे हैं, तो हम लोग नरावली की तरफ जा रहे हैं। ये यमुना नदी का डेल्ट पूरा पड़ता है, ठीक है। ये देखो बैलगाड़ी में छोटा सा ड्राइवर है जो बैलगाड़ी को चला रहा है। आ चुके हैं भाई, ये देखो कितनी ढलान वाली रास्ता भाई। नरावली तो आ चुके हैं, बट अभी साइत यहाँ नहीं हुई है ना, तो अभी देखते हैं भाई मिलता है कि नहीं, देखते हैं। फिर भी आधे घंटे यहाँ रुकेंगे। देखो भाई इधर सीन कुछ ऐसा, ये देखो गुरु 2 बोरी मिल गया था तो वो काट दिए हैं और अब चल रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ पे मशीन चल चुका है और तो ये भाई मिल चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? भाई का नाम है शिव। एक मोबाइल लिए हैं, बहुत तगड़ा। ला भाई, भाई का मोबाइल दिखा। तो ये भाई भाई का मोबाइल है, आप देख सकते हो सारी व्यवस्थाएं इसमें है ना, टार्च वगैरह सब। भाई आज इसमें गाना डलवा के लाए हैं। क्या भाई? भाई 4 बोरी था चाचा इनका धान के, ये चाचा हैं और ये आंटी जी हैं। तो देखो इनके धान की क्वालिटी, चावल की क्वालिटी। चाचा का धान था 4 बोरी, तो वो हो गया समाप्त। तो अभी जा रहे हैं और आगे देखते हैं वहां पे क्या सीन रहने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग मिस मत कर। तो गाइज फिर से प्लान चेंज हो गया है, अभी चाचा फोन किए, पापा भी फोन कर दिए कि सुबह खाना वाना खाए नहीं हो तो चले आओ, कल फिर जाना। तो आज बारात भी है, तो हम जा रहे हैं, अब घर निकल लेंगे। यहाँ से हमारा घर 10 किलोमीटर की रेंज पर है ना, तो चल रहे हैं। और आप लोग भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।